हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि पहली वीडियो से पहले वीडियो ब्रांच अकाउंट्स पर था, उसमें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात की थी। और पहला मेथड, जो फर्स्ट मेथड है जिसको डायरेक्टर सिस्टम या फिर डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, उस मेथड में जो फॉर्मेटिंग थी ब्रांच अकाउंट की और डायरेक्टर्स अकाउंट की, इन दोनों के लिए, तो उस फॉर्मेट को देखा था मैंने वहां पे। मैंने बताया था आप लोगों से कि जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इस फॉर्मेट के बेस पे। तो आज मैं वही एक न्यूमेरिकल आया हूँ, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाएगा एक क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि एक्स लिमिटेड हैज ब्रांच एट गाजियाबाद। गाजियाबाद में इसके एक ब्रांच है और वहां कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, वहां की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे बोला गया कि जो एक्स लिमिटेड है ये अपने यहाँ पे अकाउंट कैसे तैयार करेगा इस ब्रांच के लिए, ये क्वेश्चन में गिवन था। और ये बोला गया था कि ये बताइए कि ये सब ट्रांजेक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे ब्रांच अकाउंट में, प्रॉफिट निकालिए इस ब्रांच से कितनी प्रॉफिट है एक्स लिमिटेड को। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं थोड़ा उस क्वेश्चन को रिव्यू कर दूं। स्टॉक एट ब्रांच है लिखा हुआ, स्टॉक एट ब्रांच 1/1/2016 मीन्स ओपनिंग डेट पे 15,000 की बने। बोला गया पेटी कैश 1/1/2016 ओपनिंग डेट पे 300 रुपीज का बैलेंस है इसके पास। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए हैं वो है 80,000 रुपीज को। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने जो रिटर्न किया गुड्स, बताया था मैंने ब्रांच रिटर्न भी कर सकता है हेड ऑफिस को गुड्स, वो है 5,000। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 1,70,000, यहाँ पे ब्रांच ने कैश कितना दिया है 1,70,000। कैश सेंड टू ब्रांच, जो ब्रांच ने कैश ब्रांच को कैश भेजा गया है वो था, उसमें हेड ऑफिस भेजता है, मोस्टली हेड ऑफिस ही भेजता है जो दिया जाता है। इस तरह से इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, कभी कभी दिया जाता है हेड ऑफिस सेंड टू कैश, या फिर कभी दिया होता है कैश सेंड टू ब्रांच। तो देखिए, सैलरी इज गिवन है 15,000, वेजेस गिवन है 10,000, रेंट गिवन है 2,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है 2,000, इनके लिए, इन सबके लिए कैश भेजा है ब्रांच को हेड ऑफिस। फिर बोला स्टॉक एट ब्रांच मीन्स 31 का क्लोजिंग डेट पे ब्रांच में जो स्टॉक है वो कितना है 25,000 रुपीज को। पेटी कैश का जो बैलेंस बचा है 31/12/2016 को वो 40 रुपीज का। तो स्टूडेंट्स, इन ट्रांजेक्शन के बेस पे, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको ब्रांच अकाउंट बनाना सिखाता हूं कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ब्रांच अकाउंट किसका बना रहे, ऑफ गाजियाबाद, जो गाजियाबाद जो भी है, या फिर यहां पर आप लिख सकते हो गाजियाबाद ब्रांच, गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट की, गाजियाबाद ब्रांच का अकाउंट तैयार कर रहा हूं मैं। ओके, अब नॉर्मल जो लेजर का जो फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास डेट पीरियड गिवन है, जो कि यहां पे होगा फॉर द ईयर एंडेड। मैंने आपको बताया था जो ब्रांच अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए बनाया जाता है वो, तो ये इस पीरियड के लिए बनाया गया फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 के लिए बनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, स्टार्ट करता हूं मैं। डेबिट क्रेडिट ये आपको ध्यान ही रखना है, अमाउंट पर्टिकुलर्स डेबिट। सबसे पहला मैंने बोला था आपसे कि आप क्या लिखोगे, जो ओपनिंग बैलेंस दिए गए आप इन्हें रिकॉर्ड करिए। तो यहां लिखे टू बैलेंस बीडी, और इसमें आप लिखो स्टॉक और पेटी कैश, जो चीजें गिवन है। तो कितना गिवन है, ये स्टॉक गिवन है 15,000 और पेटी कैश गिवन है 300, टोटल मिला के 15,300 आपने ये लिख दिया। अब गुड सप्लाई टू ब्रांच लिखिए, ये डेबिट साइड में आता है, जो ब्रांच भेजता है, ब्रांच को भेजा जाता है, सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच को जो भेजा है हेड ऑफिस ने वो आप यहां लिखेंगे, जो ब्रांच ने रिटर्न कर दिया वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए, ब्रांच को भेजा है टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ब्रांच को कितना अमाउंट का भेजा है 80,000 रुपीज का, और ब्रांच ने जो रिटर्न कर दिया वो क्या है, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हो, कई कई जगह पे रिटर्न लिखा होता है, कई जगह पे इसी को लिखते हैं गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, और ब्रैकेट में रिटर्न लिख देते हैं।
तो दोनों लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, इसमें कोई ऐसे मार्क्स नहीं कटते हैं। ओके, इसके बाद ये अमाउंट है 5000 को। अब क्या हुआ, रिसीव कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच ने जो कैश भेजा है हेड ऑफिस को वो कितना भेजा है, 1,70,000 का। तो बाय कैश कितना भेजा है, 1,70,000। यहां पर लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, वो इस तरफ लिखेंगे जो कैश भेजता है, लिमिट करता है, कई बार लिखा होता है कैश लिमिटेड, वो भी यही लिखना है, वही अमाउंट है, सेम एक चीज। अब कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को इतने अमाउंट का ये भेजा है इन सब खर्चों के लिए, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू कैश, और आप इसमें सब कुछ लिखेंगे, सैलरीज, वेजेस, रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब कुछ लिखेंगे आप। अमाउंट कितना है, 15,000, 10,000, 2,000 एंड 2,000, टोटल हो गया 25,000 और 29,000। ओके, ये हो गया 29,000 एक्सपेंसेस, टोटल है कितने, 29,000। अब क्या होगा, अब रिकॉर्ड करना है ये जो दो स्टॉक और पेटी कैश और क्लोजिंग बैलेंस बचे हुए हैं वो यहां लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, क्या लिखोगे आप, स्टॉक कितना दिया हुआ है 25,000 और पेटी कैश, पेटी कैश कितना है, पेटी कैश है 40 रुपीज का, टोटल हो गया 25,040 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्रांजेक्शन जो भी इंफॉर्मेशन की थी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अब इससे जो रिकॉर्ड के इन सब रिकॉर्ड्स के बेस पे देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस कितना आ रहा है। सिंपल सा दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है कि जो क्रेडिट साइड वो ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का ऐड करिए, टोटल निकालिए, तो आ रहा है 1,75,000 प्लस 25,040, ये आ गया 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज। अब क्रेडिट साइड में जो है वही अमाउंट डेबिट साइड में भी आना चाहिए, तो डिफरेंस निकालेंगे, जो बैलेंस निकल रहा है वो कितना निकालेंगे, माइनस 15,300 माइनस 80,000 माइनस 29,000, तो ये जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट बैलेंस निकल रहा है ये 75,740, तो इसे बोलेंगे टू प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच, या फिर इसे ब्रांच प्रॉफिट बोलेंगे, और इसे टोटल क्लोज कर देंगे 2,40,000 रुपीज पे। देखिए स्टूडेंट्स, जो यहां पे इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में नॉर्मल आपको डेटर्स वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो उनसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया मैंने, लेकिन अभी मैंने यहां पे क्या बनाया, यहां जो बनाया मैंने ब्रांच अकाउंट से, और ये ब्रांच अकाउंट कैसा था, ये ब्रांच अकाउंट था जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब गिवन है, डेटर्स की बातें नहीं हुई है, क्रेडिट सेल नहीं हुआ है, इसीलिए ये इस तरह का था। जो पहले मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कितने तरीके से आप एंट्री कर लो, तो उसमें सबसे पहला वाला जहां क्रेडिट सेल नहीं हो रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो क्वेश्चन क्या करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे सेकेंड जहां हम क्रेडिट सेल भी करते थे, तो क्रेडिट सेल के बेस पे जो एक क्वेश्चन होगा वो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से अच्छे से इस वीडियो को देखें, पूरा शुरू से देखोगे तो सब समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पे मैंने बताया था जो क्रेडिट सेल होगा उसे भी इंक्लूड किया गया है। तो देखिए क्रेडिट सेल के बेस पे कैसे होंगे, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि एक्स लिमिटेड इसका ब्रांच है एक लखनऊ में, और कुछ ट्रांजेक्शन गिवेन है। सबसे पहला मैं एक बार पढ़ देता हूँ, डेटर्स ऑन 1/1/2016 ओपनिंग डेटर्स गिवन है 26,200, स्टॉक 1/1/2016 ओपनिंग स्टॉक ₹15,000, स्टॉक 31/12/2016 क्लोजिंग स्टॉक है 13,900 13,900, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ हेड ऑफिस से जो गुड्स मिला है। अब देखो क्वेश्चन के जो टर्म है यहाँ पे इसको ये भी बोला जा सकता था गुड सप्लाई टू ब्रांच, लेकिन जो यहाँ बोला गया कि एचओ हेड ऑफिस में जो भेजा है वो भेजा गया 50,000, सेम वर्ड है।
गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में है कुछ अभी गुड्स लास्ट डेट तक वो 2000 का गुड्स रिटर्न टू एच ओ हेड ऑफिस में जो रिटर्न किया गया वो है रुपीज 700 का हेड ऑफिस को रिटर्न किया ब्रांच ने कैश सेल हुआ 33,500 क्रेडिट सेल हुआ 60,000 रुपीज को अलाउंसेस टू कस्टमर्स कस्टमर्स को जो अलाउंसेस दिए गए छूट दी गई होगी कुछ तो वो उनको अलाउंसेस का फॉर्म दिया गया 320 रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर जो रिटर्न किया हुआ है 580 डिस्काउंट टू कस्टमर्स कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दी गई थी वो है 2,400 रुपीज बैड डेट्स हो गया ये जो बैड डेट्स हो गया है तो बैड डेट्स डेटर्स का पार्ट होता है तो बैड डेट्स है रुपीज 600 कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कस्टमर या डेटर्स बोले इसको आप डेटर्स भी बोल सकते हैं तो जो डेटर्स जो रिसीव हुआ है कैश हुआ है 49,200 रेंट एंड टैक्स वो 1,800 का वेजेस एंड सैलरी 6,000 और जनरल चार्जेस 1,300 देखिए ये सब एक्सपेंसेस तो गिवन है लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं की कि डेटर्स ओपनिंग तो गिवन है बट क्लोजिंग डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो आप यहां पे टर्म लिखिए क्लोजिंग डेटर्स और ये आपको अभी पहले फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने तो सबसे पहले मैं डेटर्स अकाउंट क्या करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डेटर्स अकाउंट अच्छा किसके बुक में कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ डेटर्स अकाउंट एट ब्रांच एट लखनऊ इन द बुक ऑफ एस लिमिटेड तैयार कर रहा है तो डेटर्स अकाउंट देखिए डेटर्स अकाउंट के लिए अब सबसे पहले वही पर्टिकुलर अमाउंट का आपको ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट और स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है 26,200 प्लीज ध्यान रखना पहला स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस दे रखा तो ओपनिंग से नहीं दे रखा तो निकालना होता है कई बार टू क्रेडिट टू सेल्स अब यहां पे लिखेंगे क्रेडिट सेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है तो क्रेडिट सेल कितना है 60,000 रुपीज का है अब बाय अलाउंसेस टू कस्टमर्स कितना है 320 है फिर बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स ये है 580 और डिस्काउंट टू कस्टमर्स ये है 2,400 फिर बैड डेट्स ये ध्यान रखना ये सब चीजें यहीं पे लिखी जाएंगी सारी बस ये कोई एक्सपेंस नहीं होगा किस तरह का लॉस है तो वो डेटर्स का लॉस है ओके तो बैड डेट्स कितना आ रही है 600 अमाउंट है ओके इसके बाद जो कैश मिला है डेटर से बाय कैश कितना मिला है 49,200 अब क्या बोलेंगे जो क्लोजिंग और कुछ भी इसमें से नहीं आएगा अब क्लोजिंग डेटर जो वो यहां आना चाहिए नहीं दिया गया है तो बैलेंस निकालेंगे और उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी तो इसका बैलेंस निकालिए यह है 86,200 माइनस 320 माइनस 580 माइनस 2400 माइनस 600 माइनस 49,200 तो ये आ रहा 33,100 जो कि क्या है वो क्लोजिंग डेटर्स है 33,100 और अब टोटल इक्वल कर देंगे जो कि होगा 86,200 तो देखिए स्टूडेंट्स अब यहां पे आपको क्या पता चला कि डेटर्स अकाउंट में क्या क्या होता कैसे बनाया जाएगा अब जब हमने डेटर्स अकाउंट तैयार कर लिया तो अब यहां से ब्रांच अकाउंट तैयार करना हमारे लिए आसान है तो अब देखिए एक बार फिर से यहां पे क्या लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा डेटर्स का क्रेडिट से लिखा यहाँ जो अलाउंसेस टू कस्टमर दे रखा था रिटर्न फ्रॉम कस्टमर दे रखा था डिस्काउंट टू कस्टमर दे रखा था बैड डेट दे रखा था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखा था इन सबको लिखने के बाद जो क्लोजिंग जो बैलेंस निकल क्या है दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में वो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होगा तो यहाँ अब क्वेश्चन आसान हो गया अब यहां से जो अगर हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो हमारा क्लोजिंग डेटर्स यहाँ लिख लीजिए 33,100 हमने फाइंड किया है एक आंसर ये है और अब ब्रांच तैयार करना है हमें ब्रांच अकाउंट तैयार करना है
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जब ब्रांच अकाउंट तैयार करेंगे तो ब्रांच अकाउंट यहां लिख सकते हैं आप लखनऊ ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2016। अब देखिए यहां पे क्या क्या लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट में क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट नॉर्मल या टू बैलेंस बीडी स्टॉक स्टॉक दिया हुआ है 15,000 रुपीज। डेटर्स गिवन है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है 26,200 रुपीज और गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो इसको लिख सकते हो आप गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, सप्लाई टू ब्रांच कितना 50,000। इन दोनों को ऐड करके आप यहां लिख सकते हैं 41,200। यहां तक हो गया। अब गुड्स रिटर्न टू एचओ यहां लिखिए बाय गुड्स रिटर्न, ये अमाउंट है 700। अब यहां पर लिखेंगे बाय कैश, जो कैश रेमिट किया है याद रखना। अब यहां पे जो कैश रेमिट किया जाता है वो होता है कैशेस, बताया था मैंने कैश सेल कितना है 33,500 और इसमें प्लस कर दिया जाता है कैश फ्रॉम कस्टमर्स या डेटर्स, जो आपने मिला है आपको वो अमाउंट कितना मिला था यहां पे लिखा हुआ 49,200। ऐड करके लिख दीजिए 782,700। अब जो ये आपके एक्सपेंसेस थे ये दोनों रेंट और वेजेस वो यहां लिखिए, यहां लिखिए टू कैश रेंट एंड रेट्स अमाउंट कितना है 1800। फिर लिखिए वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 600, तो ये आ गया 2400। यहां तक आसान था, यहां तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिए एक टर्म आया नया इसमें गुड्स इन ट्रांजिट, इसके बारे में बता दूं स्टूडेंट्स, जो गुड्स इन ट्रांजिट की बात है आजा एक एक्सपेंस और दिया गया था जनरल चार्जेस, ये भी आपका एक्सपेंस है जनरल चार्जेस, अमाउंट है 1300, 1300, तो ये हो गया 37,700। गुड्स इन ट्रांजिट का एक अमाउंट है, ये क्लोजिंग डेट का है, तो देखिए जो रास्ते में गुड्स है उसका क्या होगा, तो ये सप्लाई माना जाता है और स्टॉक में भी माना जाता है, तो इसीलिए या तो इसको दोनों तरफ लिख दीजिए आप, या फिर कहीं नहीं लिखिए, रिकॉर्ड ना करें, कुछ जगह पर रिकॉर्ड नहीं करते इसको, कुछ जगह पे दोनों तरफ लिखते हैं तो बराबर का इफेक्ट पड़ता है, तो इसे मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया है। अब क्लोजिंग की बात करूं बाय बैलेंस सीडी, यहां पे क्या आएगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 13,900 और क्लोजिंग डेटर्स कितना है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपने अभी जस्ट निकाला है अकाउंट से, वो था 33,100, तो ये हो गया कितना टोटल 14,000 और 33,000, 47,000। ओके, अब ये आपका डेबिट और क्रेडिट में टोटल एंट्री आपने कर दी है, रिकॉर्ड कर दिया आपने, अब आपको क्या करना है बैलेंस निकालना है। क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा है, आप क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ये प्रॉफिट या लॉस है। तो चलिए इसको टोटल करते हैं, 82,700 + 47,000 = 1,29,700। अब इस तरफ माइनस करते हैं इसमें से, -41,200 - 50,000 - 3700, तो ये आ रहा है 34,800। तो ये जो आ रहा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सॉरी नेट, यहां पे एक चीज, ओके 34,100 का आ रहा है आपका ये टोटल अमाउंट,
34,000 एक बार फिर से टोटल कर लीजिए इसको, तो 82,700 47,700 वो भी यहाँ 700 रह गया था, तो एक बार 700 कर लेता हूँ मैं, 82,700 प्लस 700 प्लस 47,000 इक्वल्स टू 1,30,400 और इसमें सब माइनस करता हूं मैं, माइनस 41,200 माइनस 50,000 माइनस 3,700 माइनस 3,700 इक्वल्स टू ये आ रहा है 35,500। तो जो इसका बैलेंस निकल के आ रहा है टू प्रॉफिट वो आप लिखेंगे 35,500। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और वो एंट्रीज कैसे करेंगे अगर आपको डेटर्स अकाउंट भी बनाना है, अगर आपके पास क्रेडिट से भी गिवन है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको कुछ दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जैसे समझाया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिर पता आगे धीरे धीरे करेंगे कि क्वेश्चन और भी आगे टफ होंगे जब इनवॉइस मेथड पे करेंगे। तो प्लीज अभी आप लोग इन क्वेश्चन को करिए और ज्यादा से ज्यादा और भी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में भी भेजूंगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।